Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study a very important topic, that is about the dimensions of physical quantities. Dimensions ke baare mein koi short question ya koi objective lazmi aata hai. Isliye aapko pata hona chahiye ki dimension kise kehte hain. Har base quantity ko hum ek specific symbol ki form mein, specific symbol ki shakal mein hum zahir kar sakte hain. हम डिनोट कर सकते हैं और वो जो सिंबल होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज अ डायमेंशन. हर बेस क्वांटिटी को डायमेंशन कहा जाता है. कब? डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल, जब उसको हम एक खास सिंबल से हम जाहिर करेंगे, डिनोट करेंगे, जो रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैथ के लिए मैथ बेस क्वांटिटी है, तो मैथ के लिए सिंबल होता है वो हम कैपिटल एम यूज करते हैं. मैथ बेस क्वांटिटी है तो बेस क्वांटिटी को हम कहेंगे ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज अ डायमेंशन. तो मैथ डायमेंशन है कैसे? जब हम इसको डिनोट करेंगे बाय अ स्पेसिफिक सिंबल, एक खास सिंबल से जब इसको हम डिनोट कर देंगे एम से, कैपिटल एम सा स्क्वायर ब्रैकेट्स. लेंथ के लिए कैपिटल एम, टाइम के लिए कैपिटल टी, इसी तरह करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई और ए, ठीक. टेम्परेचर के लिए के और थीटा, इंडस्ट्री ऑफ लाइट के लिए सी डी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल. मीन हर बेस क्वांटिटी का एक खास सिंबल होता है और उस सिंबल को आप डायमेंशन कहते हो जब उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर लिख दोगे. डायमेंशन हमें बताती है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसके यूजेस क्या हैं. ये क्वेश्चन आमतौर पर शार्ट क्वेश्चन आता है. एडवांटेजेस या यूजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशंस. नंबर वन, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन. हमें कोई इक्वेशन दी गई होगी, कहा गया होगा बताओ ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे. अगर वो इक्वल हुई तो हम कहेंगे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. इस तरीका को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. पॉसिबल फिजिकल फार्मूला, हम कोई डायमेंशन के तरीके से कोई फार्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं. ये दो एडवांटेजेस हैं जो हम यूज करते हैं, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन एंड ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला. अब होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में आमतौर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोई इक्वेशन दी गई होगी, कहेंगे बताओ इसकी जो है ना वो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. इसके लिए लेट्स सपोज ये हमें इक्वेशन दी हुई है, वी इज द स्पीड ऑफ साउंड इन अ स्ट्रिंग, वी इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एम की स्क्वायर रूट. ये एक फार्मूला, इसमें v स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग है, f टेंशन इन स्ट्रिंग है, l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और m मास ऑफ द स्ट्रिंग है. तो बताना ये है कि ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है. तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की सेपरेट सेपरेट जो है वो डायमेंशन कैलकुलेट करो और फिर बाद में उनको कंपेयर कर लोगे, तो वो इक्वल हुई तो वो डायमेंशनली करेक्ट हुई, अदरवाइज नहीं. तो इसमें आप सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू v स्पीड है, तो स्पीड की डायमेंशन निकालनी, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस जो लेंथ होती है और लेंथ की डायमेंशन जो है वो हमेशा एल होती है. आपने ये कहा लेंथ के लिए हम कैपिटल एल यूज करते हैं, सो लेंथ के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल एल. लेंथ के लिए कैपिटल एल और टाइम के लिए कैपिटल टी. एक और बात याद रखिएगा, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस हो, सर्कमफेरेंस हो, वेवलेंथ हो, विड्थ, हाइट, थिकनेस, लाइट ईयर, इन सब की डायमेंशन जो होती हैं वो सेम होती हैं, इक्वल टू एल. सो डिस्टेंस की एल और टाइम की कैपिटल टी, ये बन जाएगा हमारे पास एल टी इनवर्स. ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई. अब राइट हैंड साइड की निकाल लें. राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड है हमारे पास
RHS right hand side is equal to F into L over M ki square root और साथ ही dimensions. F जो होता है, अब जो F है ये derived quantity है. जितनी भी derived quantities होती हैं ये base quantities ही derived होती हैं. So आप लिख सकते हो F को F is equal to MA into L over M square root और ये square bracket M से M काट दिया. अब हमारे पास आ गया AL A into L की square root. अब जो एक्सेलेरेशन होता है इसकी स्पीड ओवर वेलोसिटी ओवर टाइम होती है इसकी इसका फार्मूला तो हम लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू एल टी इनवर्स ओवर टी क्योंकि जो ए होता है ना ए इज इक्वल टू वी ओवर टी तो ए की डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी की डायमेंशन है ये हमने एल टी इनवर्स निकाल ली एल टी इनवर्स ओवर टाइम की टी तो ये टी ऊपर जाके टी इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा तो इसका हमें क्या हुआ इसको हम लिख सकते हैं एल टी इनवर्स स्क्वायर एल टी इनवर्स स्क्वायर ए को और एल का कैपिटल एल स्क्वायर रूट अब ये देखें एल इंटू एल एल स्क्वायर ये हमारे पास हो गया एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट अब ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों की है एल स्क्वायर की भी है और टी इनवर्स स्क्वायर की भी है तो स्केयर रूट के साथ ये स्केयर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल टी इनवर्स इसका मतलब हुआ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होगी सो ये इक्वेशन रहेगा बोर्ड में एक्चुअली